वेद संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गीता में कलयुग से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में और जो आजकल सच हो रही है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी अदालत में किसी को कटघरे में बुलाया जाता है तो जवाब मांगने से पहले उसे श्रीमद् भागवत गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है और लोग चाहकर भी गीता पर हाथ रखकर झूठ नहीं बोल सकते हैं। बता दें कि श्रीमद् भागवत गीता को हमारे हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। गौरतलब है कि इस ग्रंथ की रचना आज से 5000 साल पहले की गई थी। वहीं आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कलयुग में क्या क्या घटित होगा, इसकी भविष्यवाणी भागवत गीता के पुराण में पहले से ही कर दी गई है। तो दोस्तों आज वेद संसार आपको बताएगा श्रीमद् भागवत गीता पुराण में की गई कलयुग से जुड़ी कुछ भविष्यवाणी, जो कि आप एक श्लोक से माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों पहला श्लोक है, अर्थात धर्म, सत्यवादिता, स्वच्छता, सहिष्णुता, दया, जीवन की अवधि, शारीरिक शक्ति और स्मृति सभी दिन व दिन घटती जाएगी। दूसरा, कलयुग में जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वह उतना ही गुणी माना जाएगा और कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। तीसरा, इस युग में पुरुष स्त्री बिना विवाह के ही केवल एक दूसरे में रुचि के अनुसार साथ रहेंगे। व्यापार की सफलता छल पर निर्भर करेगी। कलयुग में ब्राह्मण सिर्फ एक धागा पहनकर ब्राह्मण होने का दावा करेंगे। चौथा, जो मनुष्य घूस लेने या फिर धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों से ठीक ठाक न्याय नहीं मिल पाएगा। जो व्यक्ति बहुत चालाक और स्वार्थी होगा वो इस युग में बहुत ही विद्वान माना जाएगा। पांचवा, लोग भूख प्यास और कई तरह की चिंताओं से दुखी रहेंगे। कई तरह की बीमारियां उन्हें हर समय घेरे रहेगी। कलयुग में मनुष्य की उम्र केवल 20 या 30 साल ही होगी। छठा, लोग दूर के नदी तालाबों को तो तीर्थ मानेंगे लेकिन अपने आसपास रह रहे माता पिता की निंदा करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल रखना ही सुंदरता मानी जाएगी और केवल पेट भरने का लोगों का लक्ष्य होगा। सातवां, कभी बारिश ना होगी सूखा पड़ जाएगा, कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी भीषण गर्मी हो जाएगी, कभी आंधी आएगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन परिस्थितियों से लोग परेशान होंगे और नष्ट होते जाएंगे। आठवां, इस युग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वह अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा। विवाह दो लोगों के बीच बस एक समझौता होगा और लोग बस स्नान करके समझेंगे कि वह अंतरात्मा से शुद्ध हो गए हैं। नौवां, धर्म कर्म के काम केवल लोगों के सामने अच्छा दिखने व दिखावे के लिए किए जाएंगे। पृथ्वी भ्रष्ट लोगों से भर जाएगी और लोग सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारेंगे। दसवां, अकाल के कारण परेशान लोग घर छोड़ सड़कों व पहाड़ों पर रहने को मजबूर हो जाएंगे। साथ ही पत्ते, जड़, मांस, जंगली शहद, फूल और बीज खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों गीता में इन 10 भविष्यवाणी के बारे में बताया गया था जो आज सच्चे हो रही है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।